जहां पंजाब और मथुरा की तरह बरेली के जिला अस्पताल में भी मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान लोगों की आंखों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आए सर्जन ने 11 लोगों की आंखों में एक्सपायरी इंटर ऑक्सुलर लेंस डालकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। अब मामला खुलने पर प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के तहत तो मुफ्त मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑपरेशन जिला अस्पताल में ही होते हैं। पिछले साल सितंबर से जिला अस्पताल में लेंस की कमी चल रही थी। हालांकि नेत्र विभाग के ऑपरेशन थिएटर में 31 दिसंबर 2014 को एक्सपायरी होने वाले एक दर्जन लेंस रखे थे। जिला दृष्टिहीनता निवारण अधिकारी डॉक्टर हर्षवर्धन की शिकायत के मुताबिक 1 जनवरी 2014 को आए सर्जन डॉक्टर गौतम ने 11 लोगों की आंखों में एक्सपायरी लेंस डालकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया था। मामले की शिकायत अस्पताल के सीएमएस से लेकर स्वास्थ्य निदेशालय तक की गई। अब देखना यह है कि जिला अस्पताल के आला अधिकारी और निदेशालय इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेते हैं।